आपके अपने YouTube चैनल व्लॉग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है क्लास 12th कक्षा 12वीं में अध्याय एक लेसन 1 आपका द लास्ट लेसन के क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें मैंने दोस्तों आपको क्या है एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लिए हैं, साथ ही आपके क्या है जो बॉक्स बने रहते हैं चैप्टर में आपने देखा होगा बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैंने कवर किए हैं, लेकिन उसमें क्या है सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूँ, सभी क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक चैप्टर में क्या है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जिससे क्या है छात्रों को क्या है कठिनाई होती है याद करने में। मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देने वाला हूँ जो क्या है अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। ओके मतलब क्या है फ्रेंच को उस दिन किस कौन सा टॉपिक क्या है तैयार करके जाना था उस दिन। ओके तो देख लेते हैं फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, ये आपका क्वेश्चन ही से हो जाएगा। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द लेसन और पार्टिसिपल्स दैट डे। ओके मतलब क्या है पार्टिसिपल्स का क्या है टॉपिक लेसन क्या है तैयार करके जाना था उस दिन। ओके तो आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या है 2022 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, एमपी बोर्ड में आया था। ओके दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजल अबाउट द स्कूल दैट डे। ओके अनयूजल मतलब असामान्य, ओके मतलब नॉर्मल से हटकर। तो क्या है फ्रेंच ने उस दिन क्या नोटिस किया कि क्या है स्कूल में क्या है आज कुछ अजीब सा लग रहा है, असामान्य स्थिति है, ऐसी कौन सी स्थिति देखी फ्रेंच ने। ओके स्कूल में देख लेते हैं अनयूजल व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज मच नॉइस एंड एक्टिविटी द नॉइस कुड बी हेयर्ड इन द स्ट्रीट बट दैट डे देयर वाज अनयूजल साइलेंस। ओके असमानता ऐसी कौन सी देखी वो बताई जा रही है व्हेन द स्कूल वाज बिगेन मतलब शुरू होना, जब क्या स्कूल शुरू होते थे होता था तो देयर वाज मच नॉइस एंड एक्टिविटी, तो वहाँ क्या होती थी बहुत क्या है शोरगुल होता था। ओके और क्या है क्रियाकलाप होते रहते थे द नॉइस कुड बी हेयर्ड इन द स्ट्रीट। ओके जो शोरगुल था वो शोरगुल कहाँ था क्या आपका गली तक वहाँ सुनाई देता था। ओके बट दैट डे लेकिन उस दिन क्या है देयर वॉज अनयूजल साइलेंस मतलब वहाँ एक प्रकार के असामान्य क्या थी शांति छाई हुई थी उस दिन। ओके आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो आपका पहले नंबर क्वेश्चन बताया ये वाला वो तीसरे नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। दोनों में से एक ना एक जरूर क्वेश्चन आता है एमपी बोर्ड में खास करके, दोनों अच्छे से तैयार कर लेना है और आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठाकर देख सकते हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आया था। ओके तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड होता है ओके जो आप कह सकते हैं नोटिस बोर्ड। ओके तो उस पर क्या लगा हुआ था। ओके तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड, जो क्या है बर्लिन से क्या है एक ऑर्डर आया था आदेश आया था वो क्या है बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था। इट सेड दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलेक्स एंड लॉरेन, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। ओके तो क्या है इट सेड दैट यह आदेश कहता था कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल, ओनली क्या है जर्मन क्या है भाषा क्या है पढ़ाई जाएगी स्कूल में। ओके एलेक्स और लॉरेन के स्कूल में फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट, फ्रेंच क्या है बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके ये था। चलिए आगे देख लेते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ओके तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमेल एंड स्कूल चेंजेस। ओके तो क्या है फ्रेंच की भावनाएं क्या थी किसके प्रति और मिस्टर हेमेल उनके टीचर थे उनके प्रति, साथ ही क्या है स्कूल के जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में भी। ओके तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फ्रेंच केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट मिस्टर हेमेल वुड गिव दैम। ओके तो क्या फ्रेंच जानता था, फ्रेंच क्या जानता था कि क्या है जो क्या है आपका मिस्टर हेमेल क्या है जो लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं, लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं फ्रेंच भाषा में वो उनका क्या है लास्ट है। ओके अब लास्ट लेसन है ये आपको जो मिस्टर हेमेल पढ़ा रहे थे तो लास्ट दिन था ओके जो क्या है मिस्टर हेमेल पढ़ा रहे थे ओके किसी फ्रेंच को। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, अगले दिन से क्या है केवल और केवल क्या है उन्हें जर्मन पढ़ना है, जो भी पढ़ा रहे हैं वो फ्रेंच का केवल लास्ट अब चैप्टर रह गया है लास्ट लेसन है। ओके इसलिए आपका चैप्टर का नाम भी है लास्ट लेसन। ओके फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे वुड बी टॉट ओनली जर्मन, ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। वो क्या है थोड़ा क्या है
फेल्ट महसूस कर रहा था, सॉरी महसूस कर रहा था किसके पर ही, क्योंकि उसने क्या है जो लेसन थे फ्रेंच में उसने तैयार प्रॉपर रूप से तैयार नहीं किए थे, ओके। क्योंकि अब पता उसे पता चल चुका था कि अब क्या है स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल क्या है अब दूसरी भाषा जर्मन पढ़ाई जाएगी, ओके। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। टोटल इसमें मैंने आपको 5 सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे, क्या परिवर्तन हुए क्या है जब क्या है ऑर्डर आया बर्लिन से, ओके, स्कूल में क्या परिवर्तन दिखाई दिए, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। मिस्टर हैमेल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ओके। मतलब मिस्टर हैमेल क्या है उस दिन क्या है पहने हुए थे, उनका अपना बेस्ट ड्रेस पहने हुए थे, ओके, ब्यूटीफुल क्या है ग्रीन कोट पहने हुए थे, हिज फ्राइडली शर्ट पहने हुए थे, ओके, और एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे ऑल एम्ब्रॉयड, और क्या है पूरा बेहतरीन तरीके से सजे हुए थे, अच्छे लग रहे थे, ओके, और कैप भी पहने थे कौन से कलर की, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ओके। नेक्स्ट है द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज, ओके, मतलब पूरे स्कूल में क्या है बाहर से शांति से तनावपूर्ण क्या शांति छाई हुई थी, ओके। ऑन द बैंक बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, ओके, जो पीछे की जो बेंचेस होती थी वो क्या है हमेशा क्या है खाली रहती थी, मतलब उनमें कोई नहीं बैठता था, लेकिन उस दिन क्या है द एल्डर पीपल ऑफ द विलेज वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, लेकिन क्या है उस दिन क्या है स्कूल की जो बैक बेंचेस थी ओके पीछे वाली बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन उस दिन क्या है जो क्या है गाँव के क्या है बूढ़े लोग थे ओके एल्डर पीपल थे वो क्या है बैठे हुए थे एकदम क्या है शांत बच्चों की तरह है। तो इस प्रकार से अपने ये चैप्टर कंप्लीट हुआ था, मैंने आपको क्या है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने सिलेक्टेड 5 आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं जो क्या है अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप मैसेज करके क्या है आप ऑल चैप्टर PDF नोट्स आप क्या है प्राप्त कर सकते हैं विद ग्रामर सहित, ओके। तो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, ओके, और डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है सभी की लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।